वहीं पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की रवानगी से पहले पीएम मोदी ने उनसे शुक्रवार को खास मुलाकात की और उन्हें विजय मंत्र दिया। भारत पेरिस ओलंपिक के लिए लगभग 120 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है और उससे उम्मीद है कि इस बार वो टोक्यो ओलंपिक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे, जिनमें नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में जीता गया स्वर्ण पदक भी शामिल है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा, मुक्केबाज निकहत जरीन और ओलंपिक में 2 बार की पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से वर्चुअल बातचीत भी की। इसके अलावा उन्होंने ओलंपिक के लिए पहली बार जाने वालों को विजय मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि आप ओलंपिक में जाने और जीतने के मूड में हैं और मैं आपके जीतने के बाद वापस आने पर आपका स्वागत करने के मूड में हूं। मेरी कोशिश है कि मैं खेल जगत से जुड़े हमारे देश के सितारों से मिलता रहूं, नई चीजें सीखता रहूं और उनके प्रयासों को समझता रहूं और सरकार के तौर पर अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है तो मैं इस दिशा में काम करता रहता हूं। मेरी कोशिश है कि सभी से सीधा संवाद। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहां सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों को अगले कंफर्ट रहें, असुविधा ना हो और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा। जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा, आप में से लोग जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें ताकि देश देखेगा कि यहाँ से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात है।